क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको सफल नहीं होने दे रही हैं, आपको वो हासिल नहीं करने दे रही जो आप चाहते हैं। आप गोल भी सेट करते हैं, हर साल रेजोल्यूशन भी लेते हैं, लेकिन उन गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, ये बाहर की चीज़ों की वजह से होता है या आपके खुद की वजह से होता है? पता नहीं आप क्या कहेंगे, लेकिन शायद बाहर की चीज़ों की वजह से ही होता है। जैसे कि एक बार फेल होने पे दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप काम बंद कर देते हैं। आप सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि रात में आपने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है। हाँ, ये भी तो जरूरी है। आप पढ़ रहे होते हैं, आपके दोस्त आकर आपको बाहर चलने को कहते हैं और आप पढ़ाई को आधे पे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। क्यों नहीं, दोस्तों के लिए इतना तो करना ही होगा। नया काम शुरू करते हैं, कुछ टाइम करने के बाद ये सोचते हैं, अरे इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं दिख रहा तो वो क्यों करना है ना। जिम जाना शुरू करते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि अरे इसमें तो मुझे खाने पे कंट्रोल करना होगा, मुझसे नहीं होगा, और क्या, हम तो खाने के लिए ही जीते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें बाहरी वजहों से लगती है तो आप बिल्कुल सही हैं। आपके गोल्स के पूरा ना होने में बाहर की चीज़ें ही जिम्मेवार है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये सब बाहरी वजहों से नहीं आपकी खुद की वजह से हो रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हमारे मोटिवेशनल स्पीकर अमित कन्ना ने बहुत ही खूबसूरती से ये बताया है कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके लक्ष्य को पाने से रोक रही हैं और आप उसको ठीक करके कैसे अपने लक्ष्य को पा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आए तो इसे अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके उन सब तक पहुँचाइए जिसके सफल होने की आप कामना करते हैं। थॉट क्रिएटर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कन्ना है। मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक सोशल वर्कर। आज मैं आपके सामने एक बहुत जरूरी टॉपिक है कि आपको अपने लक्ष्य के तरफ पहला कदम बढ़ाने से किससे रोकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना पर्सनल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप स्टार्ट नहीं ले पा रहे? क्या आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे? क्या आप पॉलिटिकल या सोशल लीडर बनकर समाज में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें समझ नहीं आ रहा? क्या आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे? दोस्तों, क्या आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर, या अगर कर रहे हैं तो सफल नहीं हो पा रहे? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपसे वो सब करवाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। तो दोस्तों, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज है जिसने हमें सफलता की तरफ वो पहला कदम बढ़ाने से। और ये समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना। ये कहानी है वेस्ट के एक बहुत बड़े दार्शनिक जिनका नाम था सुकरात। सुकरात के पास एक दिन एक लड़का आया और उसने पूछा कि मुझे सफलता का रहस्य जान। सुकरात ने उससे बोला, तुम अगले दिन सुबह मुझे इस नदी के किनारे। अगले दिन सुबह सुकरात वहां उस नदी के किनारे उस लड़के से मिले और उसे नदी में लेकर जाकर तो लड़का डरा हुआ, लेकिन सुकरात साथ में थे, इसे सुकरात पे भरोसा था। सुकरात उसे अंदर लेकर जाने लगे और उसे गले तक पानी में लेके आया। और जब लड़का गले तक पानी में आया तो सुकरात ने उसे ऊपर से पकड़ के दबा दिया नदी के अंदर और लड़का अंदर छटपटाते रहा। जब लड़का काफी देर छटपटाता रहा तब सुकरात ने उसे छोड़ा और वो लड़का छटपटाता हुआ बाहर आया और तेज तेज सांसें लेता और सुकरात की तरफ घूर के देखा। गुरुदेव, ये क्या, मैं आपके पास आया था सफलता का रहस्य जानने और आपने मुझे पानी में दबा के मेरी जान लेने की कोशिश की। सुकरात ने बोला, जब तुम पानी के अंदर थे, जब मौत को तुम करीब से देख, उस समय जितनी इच्छा, जितनी तीव्र इच्छा तुम्हें जीने की, उतनी तीव्र इच्छा अगर सफलता की कर लो तो सफलता पहुंच जाए। और दोस्तों, यही रहस्य है। अगर आपके अंदर फायर है, हम सोचते तो हैं, हम बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन वो चाह काफी सुपरफिशियल, उस चाह में वो इंटेंसिटी नहीं, वो आग नहीं। अगर हमारे अंदर वो आग आ जाए, वो फायर आ जाए, तो फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम जरूर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पहला कदम तो क्या, हमें आगे बढ़ने से कहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता। वो इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मैं आपको एक दूसरा रीजन बताता हूं कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ते। दूसरा कारण है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, कहते हैं इस तीन शब्द ने कि लोग क्या कहेंगे, इतने सपने तोड़े हैं जिसका अनुमान लगा लो। ये एक एपिडेमिक है, 1000 में से 999 लोग इसे पीड़ित, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
दोस्तों हम डरते हैं कि हमने कुछ स्टार्ट लिया, हमने कुछ काम शुरू किया, अगर हम फेल हो गए तो हमारी इज्जत चली जाए, अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारी बेइज्जती हो जाए। क्या बिना फेल हुए भी कोई सफल हो सकता है? और ऐसा कोई इंसान है जिसने गलती नहीं? लोग कहेंगे, आप भी तो लोगों के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग तो कहेंगे, आप भी तो कहते हैं लोगों के बारे में, इससे क्यों डरना? और हकीकत यह है कि अगर लोग आपके बारे में बात नहीं करते, इसका मतलब आप कुछ काम के नहीं, आप कुछ नहीं कर। तो लोगों को बात करने दीजिए, आप लोगों के बात करने से मत रुकिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ काम करना जरूरी है तो लोगों को नजरअंदाज करके आप आगे बढ़िए, बाद में वो लोग आपके साथ आ जाएंगे जब आप आगे निकल जाएंगे। भाई मैं तीसरा रीजन बताता हूँ क्यों हम सफलता की तरफ वो पहला कदम बढ़ाने से हिचकिचाते, और उसका कारण है कि हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। जो चीज जैसी हो कीमत दोस्त, आजादी बहुत कीमती है, कीमत के लोगों ने जान चुकाई। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। हो सकता है आपको समाज से लड़ना पड़े, हो सकता है आपको घर परिवार से लड़ना, हो सकता है आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है आपको सुख का त्याग करना पड़े, हो सकता है आपको सालों बहुत तकलीफ में रहना पड़े। ये सब कीमत, अगर आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वो आप पहला कदम उठा सकते हैं। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं तो वो आप एक्सक्यूज बन जाए। दोस्तों याद रखिए, कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं, हर चीज कीमत होती है। आप अगर कीमत चुकाने को तैयार है तो आप पहला। दोस्तों मैंने तीन कारण बताए जो आपको सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते। उसमें पहला कारण है लैक ऑफ इंटेंसिटी, उसको हम ये बोलते हैं लैक फायर। वो इंटेंसिटी कैसे आएगी आपके विचार में, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो मैं अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब। दूसरा कारण मैंने बताया जो क्या दूसरा कारण क्या मत चुकाने को क्या। दोस्तों जिंदगी बहुत, ऐसे तो कहावत है कि इट्स नेवर टू लेट, लेकिन आप जितनी लेट करें स्टार्ट करते हैं आप आगे का सफर छोटे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो सुनने के बाद सेल्फ एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कहाँ कमी है और पहला कदम जो आपको लेना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में लिख के बताएं कि आपका क्या लक्ष्य है और आप उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।